हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका मिश्रा अपने चैनल सोपी सुपर मॉम की दुनिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी है जो हम सबके घरों में हमेशा ही अवेलेबल रहती है, जिससे आप अपनी स्किन की रंगत को भी निखार सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं या फिर पिंपल्स के निशान, मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ पिंपल्स के निशान, क्योंकि पिंपल्स जब हमारा एज होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तब हमारे बहुत सारे हमें पिंपल्स होते हैं। जिन लड़कियों की पिंपल्स होती है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है कि पिंपल्स का होना और पिंपल्स के दाग का रहना कितना हमें ऑकवर्ड लगता है। लगता है कि हमारे चेहरे पे कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा, अजीब तरीके का हमारा फेस उस समय लगने लगता है। पिंपल्स तो कुछ समय के बाद चले भी जाते हैं, लेकिन वो अपने दाग छोड़ के जाते हैं। तो उस दाग को ख़त्म करने के लिए, और ये बहुत तरीके के जो फेस के प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी आँखों के पास अगर डार्क सर्कल है, उनसे भी, उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दे देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे घर में ही सबके किचन में चीज़ अवेलेबल होगी, उस चीज़ से ही आप अपने स्किन पे काफ़ी ज़्यादा उसे निखार सकती हैं, उसे खूबसूरत बना सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है, हम सबके घरों में फ्रेंड्स, आलू। आलू अवेलेबल नहीं होगा, हमें आलू लेना है, एक आलू। सो फ्रेंड्स, अभी ठंडी का सीज़न है तो आलू में थोड़ी मिट्टी भी लगी होंगी। आप इससे पहले कभी भी, अगर आप किसी सीज़न में भी इस आलू का इस्तेमाल करते, पहले इसे वॉश कर लें अच्छे से, इसके बाद इसे सुखा लें। उसके बाद आप क्या करें कि इसे एक कद्दूकस करने वाली होती है, जिसमें इसके पतले 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 स्लाइस आ जाते हैं, तो उस तरीके के कद्दूकस वाले पे आप इसे अच्छे से, आप इसका पूरा आलू का जो होता है उसे, आप आलू को छीलने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे अच्छे से कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के बाद इस तरीके से वो हो जाएंगे, इस देख रहे हैं, काफ़ी देर हो गए हैं फ्रेंड्स इसको किए हुए, तो थोड़े आलू अब ये लाल पड़ रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है आपको कि इस आलू को जब आप इसे कद्दूकस करेंगे, तो आपको इसको क्या करना है कि पूरे अच्छे से निचोड़ लेना है। आप कपड़े की सहायता से भी इसे निचोड़ सकते हैं, आप छन्नी की सहायता से भी आप इसे निचोड़ सकते हैं। तो निचोड़ने के बाद जो आलू है, आलू का जो जूस होगा वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। ये देखिए, इस फॉर्म में देखिए, आलू का जो ये नीचे बैठ जाता है, इस फॉर्म में आपको ये आलू का जूस मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, बस आलू का जूस हो गया, ये 2 चम्मच के करीब होगा। आपको एक आलू, या फिर अगर आपको सिर्फ फेस पे अप्लाई करना है तो आधा आलू से भी हो जाएगा, अगर आपको पूरे अपने हाथ पैर गर्दन सब पे अप्लाई करना है तो एक आलू, मीडियम साइज के एक आलू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप अपने पूरे फेस पे, पूरे फेस, हाथ, हैंड्स पे, नेक पे, सब पे अप्लाई करें आप, तभी आपको अच्छा सा फ़ायदा भी मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है इस आलू में, आप देख रहे हैं, आपको लेना है एक नींबू। देखिए, मैंने नींबू ले रखा है, इस नींबू को आपको इसमें डालना है, देख पा रहे हैं आप लोग, बस इतना ही, ज़्यादा ड्रॉप नहीं डालना है। बहुत सारे लोगों को नींबू सूट नहीं करता, तो आप इसके ड्रॉप बस 2 से 3 ड्रॉप ही डालें, सूट करने लगेगा। पिंपल्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। ये मैंने ले लिया, अब मैं इसमें लूँगी ये गुलाब जल। गुलाब जल तो हमारी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें ले रही हूँ गुलाब जल, बस हो गया गुलाब जल मैंने इसमें ले रखा है। और एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है, वो है ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल आपको इसमें बस आपको 2 से 3 ड्रॉप्स ही लेने हैं, मैं स्पून की सहायता से ले रही हूँ। आप देख पा रहे हो मैंने कितने कम अमाउंट में लिया है, वो मैं इसमें अब डाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें सब चीज़ों को इसमें ऐड कर लिया है, वो अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। इसे अच्छे से इसका पतला सा को पेस्ट तो ये हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं सब लिक्विड फॉर्म में ही हैं। तो इस लिक्विड को आपको अच्छे से ऐसे मिक्सअप कर लेना है। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद आप चाहे तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हनी सूट नहीं करता स्किन पे, आप इसमें हनी ऐड नहीं कर सकते, उसे आप फुली तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें बेसन ऐड नहीं किया है। बेसन से क्या होता है, कुछ समय के बाद स्किन टाइट पड़ने लगती है। अगर उन लोगों को, कुछ लोगों को अगर इससे प्रॉब्लम है तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ घर की चीज़ों से और किचन के चीज़ों से ही इसे तैयार करना। इस फॉर्म में आ गया है,
अब आपको इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो कॉटन की भी सहायता ले सकते हैं, कॉटन की जो छोटे छोटे पैड होते हैं उनसे भी आप अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों से ही आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे फेस पे भी कोई मेकअप नहीं है। ये देखिए आपको अपने फेस पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, खासकर आपको अपने अंडर आई एरिया में तो इसे और भी ज़्यादा अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स आपने देख लिया, मैंने अपने स्किन पे इसे अप्लाई कर लिया है। आप चाहें तो आप इसे रात के समय पे भी अप्लाई करके ओवरनाइट के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं। ये कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपके स्किन पे नहीं देगा। आफ्टर ऑल अगर आप सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी नज़र आएगा और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट नज़र आएगी। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मेरा आज का वीडियो? एक बात और फ्रेंड्स, आप इसे 10 मिनट के बाद आराम से ठंडे पानी से धो भी सकते हैं, और इसके बाद आप अपने स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइजर ऐड कर लीजिए, लगा लीजिए। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दोस्तों और परिवार के लोगों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।